हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शेखर सिन्हा। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक स्टार्टअप शुरू करने वाला हूं और मैं किया भी हूं, जिसमें बेसिकली मैंने क्या बताया है आपको कि डीमैट अकाउंट क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, आईपीओ क्या होता है, इक्विटीज़ क्या होता है, ये सारा चीज़ बताया हूँ। आप चाहें तो जाके मेरा फर्स्ट वीडियोज देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड में मैंने क्या बताया, बेसिक चीज़ें बताई है आफ्टर डीमैट अकाउंट व्हाट यू शुड। ओके, तो फिर उसमें क्या है, मैंने बताया है कि कैंडलस्टिक जो होता है ना, टाइम फ्रेम जो होता है, जब भी आप चार्ट देखते हैं कुछ करने के लिए, तो मार्केट कैसे देखते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स, आवरली, डेली, वीकली, मैंने सारा उसमें बता रखा है। अब बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आप किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग के चार्ट पे जाके इस चीज़ को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि आइए इस चीज़ पे मैं लाया हूँ, ये मेटाफोर टर्मिनल है जो सिंगापुर से ऑपरेट होता है, इसका डेटा, इसको MT4 बोलते हैं, MT5 भी आया हुआ है, हम लोग कंफर्टेबल है MT4 पे, राइट। इस पे मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है, आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं, मैं माउस लेके आया हूँ, वन सेकेंड, यहाँ पे 1 मिनट पे सेटअप इसका रखा गया है, ठीक है। ये मेरा ब्लॉग है जो साथ में आपको फ्लैश होता रहेगा ना। मैं बेसिक चीजें क्या लेके आया हूँ बताता हूँ आपको, रोबो क्या है, अल्गो क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है। तो मैं एक आर्टिकल कहीं कलेक्ट करके रखा हूँ, करेक्ट, तो यहाँ पे लाके इन शॉर्ट आपको बता पाऊंगा। सी, तो पहला हमारा क्या है, रोबो अल्गो फुली ऑटोमेटेड सर्विस सिस्टम एंड वट एवर। रोबो क्या करता है कि कोई भी टेक्निकल आप बनाते हैं कि मुझे ना अगर 100 रुपये पे कुछ चल रहा है, 105 रुपये बाई करना है, 110 पे बेच देना है, एंड 100 रुपये आपका SL होगा, SL मतलब स्टॉप लॉस, राइट। तो प्राइस जैसे ही 105 क्रॉस करेगा ना, तो वो आपको बाई करेगा, 110 जैसे जाएगा वो आपका टारगेट हिट करेगा, इफ अनफॉर्चुनेटली दैट इज कमिंग अगेंस्ट ऑफ यू, तो वो 100 पे आके ना आपको SL को हिट करेगा, राइट। तो इसमें क्या रहेगा, ये फुली ऑटोमेटेड कैसे है, ये ऑटोमेटिक लॉगिन भी करता है आपके टर्मिनल को, जो आपने देखा होगा, जैसे कि आपका एलायंस ब्लू, जीरोधा, शेयर खान, जो भी स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट रहेगा, उसमें क्या होगा, जब आप लॉग इन करते हैं, आईडी पासवर्ड डालते हैं, उसमें कुछ कभी कभार 2FA पूछता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, आप उसके थ्रू जाते हैं, देन यू गेट द डैशबोर्ड ऑफ योर टर्मिनल, राइट। तो इसको ये विद इन अ सेकेंड ना, 10 मिली सेकेंड में क्या करेगा, ये रोबो या अल्गो दोनों का सेम वर्क है, वो क्या करेगा, तुरंत लॉग इन कर देगा, डायरेक्ट डेस्क आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा ट्रेडिंग टर्मिनल का। ओके, तो ये इस तरह से काम करता है, और इसको लोग प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, हम लोग भी क्रिएट करते हैं, अगर आपका लॉजिक आप हमसे शेयर करते हैं, मेल लिखते हैं, तो हम उसको बना के देते हैं। दूसरा क्या है, मेंटेन बाय इंटरनेट पावर बैकअप। सी क्या है, हम लोग ना इसमें VPS यूज करते हैं, आप लोग जान जाएंगे कि ये क्या होता है, इसको हम लोग सर्वर भी बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा, आपके पास इंटरनेट हो या ना हो, पावर बैकअप हो या ना हो, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए और मार्केट में काम होना चाहिए। तो इसको लेके क्या रहेगा कि सपोज आपका कोई, आपने लॉजिक बना दिया, जैसे बाई सेल करना है, तो वो लॉजिक को काम कैसे करेगा, आप वर्किंग आए हैं या बिजनेसमैन है, तो आपने मॉर्निंग में बिफोर 9 AM प्री मार्केट में आपने इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, उसके बाद एक बार जब स्टार्ट हो गया, तो आपका दिन भर का ट्रेड रहेगा जो उसको फॉलो करेगा, जो आपने इनपुट में दिया हुआ है, जो लॉजिक, जो मेथड, जो रूल बेस आपका सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली ये फॉलो करेगा, जहां बाई आएगा बाई करेगा, सेल आएगा सेल करेगा, पार्ट बुकिंग भी साथ में करेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, अलॉन्ग विथ कॉपी सिग्नल। ओके, इसमें तीसरा तीसरा लाइन क्या है, ये ऐसा है कि टर्मिनल आपका जब बनेगा ना चार्ट पे, ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, रेड कलर मतलब सेल है, येलो कलर मेरा पार्ट बुकिंग हुआ है, रेड क्रॉस हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे TSL हिट हो गया, जैसे कि हाफ क्वांटिटी मेरा रिमेनिंग रहता है, दूसरा टिक आएगा तो दूसरा SL, दूसरा सॉरी दूसरा टारगेट हिट करेगा। तो इसी तरह से इसमें क्या कहना है हमारा, कि आपका एक चार्ट बनेगा, चार्ट बनने के बाद कैसे रहेगा कि उस पे आपका जो भी लॉजिक रहेगा उसको बाय सेल करेगा, इस पे से रोबो क्या करता है, कॉपी करता है और 10 मिली सेकेंड में आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में जाके पंच करेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस टारगेट सबको मैनेज करेगा, मतलब नो नीड टू बी मॉनिटर योर सिस्टम ऑल डे लॉन्ग, नो नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ सिस्टम की क्या हो रहा है, प्राइस के अकॉर्डिंगली आपका SL होगा, टारगेट होगा या पार्ट बुकिंग होगा, राइट। चलिए चौथा क्या है, फोर्थ, API वर्क करता है। API एक ना सॉफ्टवेयर लिंक प्रोग्रामिंग है, जो क्या करता है कि एक ब्रिज है, आप ही समझिए, मेरा एक चार्टिंग टूल है, कोई भी जीरोधा के लिए, एलायंस ब्लू के लिए, MT4 ले लिए, वहां जैसे येरो बनता है बाई का सेल का ना, वो क्या करता है, उसी API ब्रिज है कि इसी के थ्रू आपके टर्मिनल में जाके एक्सचेंज में ट्रेड गिराता है, जो एलायंस ब्लू फ्री में देता है, और कुछ ब्रोकर्स चार्ज भी करते हैं, कुछ लोग फ्री में देते हैं, ठीक है। ये फिफ्थ पे लाता हूँ, बींग ह्यूमन। ओके, करेक्ट। देखिए एक और चीज होता है, हम एज ए बींग ह्यूमन क्या करते हैं, जब हमें आज 2000 का प्रॉफिट हुआ, कल 2000 का प्रॉफिट हुआ, परसों हमको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, और नेक्स्ट आफ्टर क्या रहेगा, तो इसी तरह से जब ट्रेड बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं ना, थोड़ा मैनिपुलेट हो जाते हैं, एज ए बींग ह्यूमन साइकोलॉजी जो हमारे क्या है ना, वो रूल बेस्ड काम नहीं करती है, राइट। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक में क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, या फिर क्या होता है कि लगातार टुडे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई गॉट लॉस, टुमारो आई एम गेटिंग लॉस, इवन आफ्टर टुमारो आई एम गेटिंग लॉस,
तो क्या होगा कि फोर्थ डे जब हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा ना, उस दिन हम काम नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ बैक टू बैक आई हैज बीन गेटिंग द लॉस ओनली। तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्थ डे फिफ्थ डे पे ना, यहाँ पे अल्गो और जो रोबो होगा ना, वो एक क्या है, एक मशीन है, राइट। वो एक सॉफ्टवेयर है, वो कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं देखेगा, अपना रूल बेस्ड काम करेगा, इसीलिए उसकी सक्सेस रेशियो ज्यादा है फॉर एज ए बींग ह्यूमन। चलिए ये हो गया फिफ्थ, मैक एक्यूरेसी बेटर। हाँ, और यही रीजन है कि एक्यूरेसी बेटर अल्गो और रोबो का अक्सर आता है। हम कभी कभार इमरजेंसी काम में स्विच हो जाते हैं, या कभी कभी हम नॉट वेल होते हैं तो फिर भी काम नहीं करते हैं। और सेम डे क्या होता है ना, जिस दिन हम काम नहीं करते, मार्केट एक बिग शॉट देता है जो हमारा एक प्रॉफिट छूट जाता है, तो ऑफकोर्स दैट इज अ लॉस फॉर अस। तो वो उस दिन भी काम करेगा जिस दिन आप नहीं चाहते, सिर्फ स्टार्ट करके इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चार्ट पे आते हैं, और चार्ट पे आके मैं आपको थोड़ी देर में समझा देने वाला हूँ कि देखिए ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है, जिसको मैं चाहूँ तो ऑप्शन में भी करता हूँ, फ्यूचर में, बट आई लव फ्यूचर ट्रेडिंग, क्योंकि मेरा मनी मैनेजमेंट उसमें अच्छा है और मैं एक्यूरेसी भी बढ़िया निकाल पाता हूँ। ये देखिए आज का जो ट्रेड है हमारा, पहला टिक हुआ है 90 पॉइंट का, इसका पहला टारगेट है, दूसरा 190 पॉइंट का है, ठीक है। स्टॉप लॉस है इसका 100 पॉइंट का, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें। आज का प्रॉफिट है 3,300 समथिंग का, ओवरऑल प्रॉफिट है मेरा 25 अगस्त से 82,900 समथिंग का, मतलब अभी तक। मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसमें बैंक निफ्टी का लॉट होता है 25 का, अगर मेरे पास प्रॉफिट 80,000 है, ठीक है, तो मैं इसको 25 से डिवाइड करेगा, अराउंड 3,000 ना पॉइंट्स हमने ले चुका है। 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत होता है, 1,000 पॉइंट अगर किसी को मिल जाए दैट इज टू मच एनफ। चलिए तो मैं आपको रोबो दिखाता हूँ, रोबो का फीचर। ये रोबो का फीचर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यह है बैंक निफ्टी का है, सितंबर सीरीज है, यहाँ पे फ्यूचर है, MIS मतलब इंट्राडे में एग्जिट हो जानी है, बोथ मतलब बाई और सेल हमारा रहता है, यहाँ इनपुट सेटअप किया गया है। नंबर ऑफ ट्रेड हमारा, नंबर ऑफ जो टारगेट्स रहेंगे दो हैं, पहला टारगेट है 90 पॉइंट का जो मैंने चार्ट पे कहा, ध्यान से सुनिएगा बात को, दूसरा मैंने कहा 190 पॉइंट का दूसरा टारगेट होगा। टारगेट पहला बुक होगा हमारा 1 लॉट, दूसरा हमारा बुक होगा 1 लॉट 25 क्वांटिटी, 1 लॉट का होता है। आप पूछेंगे स्टॉप लॉस क्या, देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट हमारा रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। 100 पॉइंट का मतलब 2,500, तो हमारा 2 लाख का अगर फंड रहता है तो 2.5%, 1%, 2.5% का ही एसएल हमारा हिट होता है, इससे बड़ा एसएल नहीं होता है। चलिए चार्ट पे आते हैं फटाफट, और मैं आपको टोटल इसका ना सिग्नल दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है और कैसे है। आज का पहला टारगेट येलो पॉइंट बोले तो ये 90 पॉइंट दे चुके हैं, और फिर टीएसएल हो गया, टीएसएल में 1 लॉट का 50 पॉइंट के आसपास मिलता है, इस दिन 7,000 का प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि पहला टीक है 90 पॉइंट का, दूसरा है 190 का, तो अराउंड हमारा ये हो जाता है 280 पॉइंट का। 280 पॉइंट मल्टीपल 25 आप करेंगे तो ये होगा 7,000 अराउंड। सेम डे द टू एसएल, सॉरी टू टारगेट्स हमारा हुआ है, डबल टीक जहां मिल रहा है डबल टारगेट है, मतलब पहला टारगेट पे 3,200 3,300 का आता है, और दूसरा टारगेट पे 7,000 आता है। इस दिन भी आया था 23rd को, 22nd सितंबर को हमारा पहला टारगेट हिट हुआ है, फिर टीएसएल हिट हो गया, ध्यान से देखिएगा आप। चलिए टाइम कम है, मैं फटाफट आपको मैं 1 महीने का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, जो लाइव है, जो एक्चुअल ट्रेड हमारे टर्मिनल में हुआ रहेगा। देखिए ये दो टारगेट हुआ है, इस दिन भी प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ है हमारा, हम मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं ताकि फंड पे बड़ा नुकसान ना हो। इस दिन स्टॉप लॉस गया है, आप देख लीजिए 20 सितंबर को, इस दिन पहला टारगेट हुआ है हमारा, अगेन तो फर्स्ट एक ही टारगेट हुआ है मोर देन 3,000, आज भी एक ही टारगेट हुआ है, लेकिन टीएसएल हिट हुआ है रेड क्रॉस, इस दिन हमारा एसएल गया है साफ साफ, मैक्सिमम एसएल ऑफ 100 पॉइंट दैट इज 5,000, इस दिन भी हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि थोड़ा फास्ट दिखा पाऊँ, ओके 9 सितंबर को हमारा एसएल गया है, ठीक है, 8 सितंबर को भी एसएल गया है, मतलब दो एसएल गया है, लेकिन उसके पहले दो टारगेट हुआ है, ध्यान रहे उसके पहले एक टारगेट हुआ है, उसके बाद अगेन दो टारगेट हुआ है, दो टारगेट का मतलब एक येलो टिक और दूसरा दूसरा येलो टिक सेकेंड टारगेट, इस दिन नो ट्रेड हुआ है, लास्ट में हुआ है आउट ऑफ रेंज टाइम था, डबल टारगेट हुआ है मतलब 7,000, अगेन 7,000 डबल टारगेट हुआ है, सेम सेम भी यहाँ पे डबल टारगेट हुआ है 30 अगस्त को, 27 अगस्त को, आप देखेंगे एक ही टारगेट है ये, आप पीछे कितना भी चले जाएंगे तो आपको ना ये सारा चीज क्लियर और साफ मिलेगा, ये रियल ट्रेड्स हुआ है जो रोबो और अल्गो के थ्रू हुआ है। जनरली रोबो थोड़ा हमारा ज्यादा स्मार्ट है, इसीलिए हम लोग रोबो में काम करते हैं। देखिए 25 अगस्त तक की रिपोर्ट है इसमें, यहाँ तक यहाँ देखेंगे फ्रॉम 25 अगस्त, ठीक है। अगर कुछ भी जानना रहे तो आप हमसे जुड़ के जान सकते हैं, नीचे टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी समझना हो तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सबको मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।